वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम मेंस्ट्रुएशन थ्री डी के टॉपिक में फ्रस्टम और खोखले बेलन से संबंधित जितने भी सूत्र हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आज हम खोखले बेलन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आप लिख सकते हैं, एक खोखला पार्क रोलर 63 सेंटीमीटर चौड़ा है और उसका घेरा 440 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर मोटे लोहे से बना हुआ है। लोहे का आयतन ज्ञात करें। एक खोखला पार्क रोलर 63 सेंटीमीटर चौड़ा है और उसका घेरा 440 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर मोटे लोहे से बना हुआ है। लोहे का आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन के लिए एक चित्र पर बनाएंगे। ठीक है, तो चित्र देखना आप। देखो, अगर यहाँ से मैं इसको कहूँ तो आप ये बताओ मुझे ये क्या बन जाएगा। देखो, अगर इसको मैं मिटाऊँ यहाँ से तो क्या बन जाएगा। आप इसको देखो, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको एक खोखला बेलन नज़र आ रहा है। अगर इससे यहाँ से करना चाहें तो आप उन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल में कि एक खोखला पार्क 63 सेंटीमीटर चौड़ा है। देखो, 63 सेंटीमीटर चौड़ाई का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक इस 63 सेंटीमीटर चौड़ाई का मतलब क्या है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 63 सेंटीमीटर है। कितनी है? 63 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आगे, 63 सेंटीमीटर है ना। अब इसमें आपको क्या कह रहा है कि उसका घेरा 440 सेंटीमीटर है। उसका घेरा कितना है? 440 सेंटीमीटर। और उसकी मोटाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर मोटे लोहे से बना हुआ है। तो मोटाई देखो, ये होगी इसकी मोटाई, ये इसकी मोटाई होगी, ये इसकी क्या है, मोटाई है। ठीक है, ये इसकी मोटाई होगी यहाँ से आकर। बात समझ में आ गई मोटाई की? जब इसकी ये मोटाई होगी तो यह आप ध्यान से देखना, ये यहां से यहां तक इसकी मोटाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और जो ये बाहर का घेरा है ना, ये आप क्या कर सकते हैं, अंदर के घेरे की बात कर लो, वो तो पता लग जाएगा रेडियस आएगी। देखो, 440 सेंटीमीटर, तो इसकी 2πr क्या है, 2πr क्या है, 440, 2 से काटो कितना जाएगा, 220, पाई से काटो 22/7 से, तो रेडियस कितनी जाएगी, 10 × 7 = 70, रेडियस जाएगी कितनी, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ना, इसकी ये इसका घेरा जो है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 70 सेंटीमीटर है। बात आ गई समझ में? यहाँ से यहाँ तक मतलब बाह्य त्रिज्या कितनी है इसकी बताओ, 70 सेंटीमीटर। और ये जो मोटाई है ना, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैपिटल आर से मान लो, है ना, और अब स्मॉल आर की बात करें
तो ये स्मॉल आर मतलब अंदर के घेरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 70 में से कितना घटा देंगे, 4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या जाएगा बताओ, 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको ये बताओ, आ गई। अब क्या करेंगे देखो, अब क्या पूछा है हमसे इसमें, लोहे का आयतन बताना है। क्या बताना है, लोहे का आयतन। आप बताओ लोहे का आयतन कहाँ होगा, इस बाहर वाली रेडियस में से ये घटा देंगे तो ये जो मोटाई है ना इसकी, यही तो होगा लोहा। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है, तो देखो आगे, लोहे का आयतन आप समझ लो कि हम सूत्रों को भूल चुके हैं। क्या होता है बताओ, बेलन का आयतन होता क्या है वैसे, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जगह क्या जाएगा, कैपिटल आर के स्क्वायर में से स्मॉल आर का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये लोहे का आयतन आ जाएगा। देखो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 है, एच की वैल्यू कितनी है, 63 है, और आर कितना है, कैपिटल आर है 70 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, ठीक है। 7 9 63 और 22 कितना होता है, 198 इंटू 70, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, एक बार 70 प्लस 66 जोड़ देंगे, एक बार 70 प्लस 66 घटा देंगे। आ रहा समझ में, 198 70 और 66 कितना हो जाएंगे, 6 6 7 13 136 इंटू 70 में से 66 गए 4 4 6 24 का 4 352 54 544 को 198 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 198 इंटू 544 4 8 32 का 2 हासिल 3 4 9 36 और 3 39 का 9 हासिल 3 4 1 4 3 7 2 9 और 7 5 8 40 का 0 हासिल 4 5 45 और 4 49 का 9 हासिल 4 4 7 9 2 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 9 10 7 17 का 7 हासिल 1 8 17 का 7 हासिल 1 10 77 52 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखला बेलनाकार पाइप दोनों सिरों से खुला हुआ है, 2 सेंटीमीटर मोटे लोहे से बना हुआ है, अगर बाहरी व्यास 15 सेंटीमीटर और पाइप की लंबाई 140 सेंटीमीटर है तो इसमें लगे लोहे का आयतन ज्ञात करो। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक खोखला बेलनाकार पाइप दोनों सिरों से खुला हुआ है, 2 सेंटीमीटर मोटे लोहे से बना हुआ है, अगर बाहरी व्यास 15 सेंटीमीटर और पाइप की लंबाई 140 सेंटीमीटर है तो इसमें लगे लोहे का आयतन ज्ञात करें। तो देखते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। देखो ये सवाल है आपका, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दो इस पर। क्या कह रहा है सवाल, एक खोखला बेलनाकार पाइप दोनों सिरों से खुला हुआ है, 2 सेंटीमीटर मोटे लोहे से बना हुआ है, तो इसकी जो मोटाई होगी ना वो कितनी होगी, देखो मोटाई यही होगी ना, ये कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर है ये, इसकी क्या है मोटाई, 2 सेंटीमीटर, क्लियर है ना, ये इसकी मोटाई हो गई, और मोटाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर
मीटर है, ठीक है, मोटाई 2 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या कह रहा है आगे, अगर बाहरी व्यास 15 सेंटीमीटर, देखो बाहर से अंदर का व्यास कितना है, बाहर से मतलब बाहरी व्यास का मतलब क्या है, यहाँ से और यहाँ तक ये व्यास, ये व्यास कितना है बताओ, 15 सेंटीमीटर है पूरा, ये कितना है 15 सेंटीमीटर है बाहरी व्यास, बाहर से अंदर तक का व्यास। तो आप बताओ इसमें यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई कितनी है, 2 मोटाई है ना इसकी यहाँ से यहाँ तक, 2 इधर से कम हो जाएगा और 2 इधर से कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा अंदर का व्यास, कितना आ जाएगा बताओ, 13 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, 13 आ जाएगा ना, हाँ 11, हाँ सॉरी 11 आ जाएगा, 11 आएगा बिल्कुल, अंदर का व्यास 11 बच गया, 2 इधर से कम, 2 इधर से कम, मोटाई कितनी थी, मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो अंदर का व्यास कितना आ गया 11, तो अंदर की त्रिज्या कितनी आ जाएगी बताओ, 6.5, ठीक है, तो अंदर की त्रिज्या देखना, अंदर की त्रिज्या कितनी आ गई बताओ, 5.5 आ जाएगी नहीं जाएगी बताओ, है ना 5.5 आ जाएगी, और बाहर की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ये 5.5 और 2 कितने हो गए, बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी बताओ, देखो ये कितनी है, 5.5 और 2 कितनी हो गई, 7.5 दे जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। और पाइप की लंबाई भी दे रखी है कि इसमें कितनी है, पाइप की लंबाई 140 सेंटीमीटर, पाइप की लंबाई 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पूछा है इसमें हमसे, आप इसमें लगे लोहे का आयतन पूछा है, लगे लोहे का आयतन, देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अभी निकाला है पाई एच और आर स्क्वायर माइनस, यही फॉर्मूला है ना, आगे देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और हाइट कितनी है 140 और बाहर की त्रिज्या कितनी है 7.5 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर, 7 से काटो 20 आ जाएगा, 22 × 44 440, 7.5 और 5.5 एक बार घट जाएगा, 7.5 में से 5.5 गए कितने बचेंगे बताओ, 2 बचेंगे ना, 2 × 7.5 और 5.5 को जोड़ दो एक बार कितना जाएगा, 13 आ जाएगा क्या, ठीक है 13 × 26, 440 को 26 से गुणा करना है, 26 00, ठीक है 2600 का 104 का 4 हासिल कितना 10, 2600 104 और 10 कितने हो गए 114, 11,440 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खोखली बेलनाकार नली जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, जो लोहे की बनी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इस नली को बनाने में उपयोग हुए लोहे का आयतन कितना होगा, एक खोखली बेलनाकार नली जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, जो लोहे की बनी हुई है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इस नली को बनाने में उपयोग हुए लोहे का आयतन कितना होगा, तो इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो देखो अंदर की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, बाहर की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें आपसे, अच्छा व्यास है, व्यास देखो बाहरी व्यास कितना है
बाहरी व्यास है 8 सेंटीमीटर, अंदर के व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। आप बताओ बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ तक, 3 3, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4 4 हो जाएगी ना, 4 4। आपको दिमाग लगाना है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4 है, तो इसकी मोटाई कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी ना जाएगी, बताओ। तो यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक पूरी 4, तो मोटाई 1 आ जाएगी ना। लेकिन मोटाई का हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी ऊंचाई है मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये है 20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला 1 मैंने आपको बताया था, लोहे का आयतन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आपको क्या होगा, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर एच का मान कितना है 20, कैपिटल आर का मतलब कितना है 4 का स्क्वायर, और कैपिटल स्मॉल आर का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 20, 4 × 4 + 3, 1 × 4 − 3, 4 − 3 का मतलब 1 होता है, 1 को 7 से गुणा करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 44, 440 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका क्या जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा कि ना, आगे बताओ, नोट कर लो इसको भी। देखो एक साइड मैंने बना रखा है बेलन, क्या बना रखा है, बेलन, ठोस बेलन, और एक साइड में बना रखा है मैंने शंकु। ठीक है, ये शंकु है और ये क्या है, ठोस बेलन है। आप याद रखें कि ठोस बेलन की आकृति कैसी थी, ठोस बेलन की आकृति इस प्रकार से थी। देखो ये ठोस बेलन की आकृति है, आप बताओ है कि नहीं ये, और शंकु क्या करती कैसी थी, शंकु क्या करती कुछ ऐसी थी। ये शंकु, शंकु समझ में आ गया आपको, ये क्या है, शंकु है, और ये क्या है आपका, ठोस बेलन है, ठोस बेलन कह सकते हैं आप इसको, ऊपर भी लिख रखा है वैसे मैंने। देखो ठोस बेलन का जो फॉर्मूला है ना, है ना, वो क्या होता है, देखो यहाँ देखो, ठोस बेलन का जो फॉर्मूला होता है, ठोस बेलन और शंकु का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं कहूँ 1/ मैं कहूँ शंकु का जो वॉल्यूम होता है, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ठोस बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ही होता है पाई आर स्क्वायर एच को क्या कर सकते हैं हम, काट देंगे, कट जाएगा है ना, ये 1/3 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, शंकु का 1 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेलन है ना वो 3 गुना है किसका, शंकु का 3 गुना है, कितना गुना है शंकु का, कितना गुना है 3 गुना है। तो आप कह सकते हैं कि जो बेलन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो किसके आयतन का, शंकु के आयतन का, शंकु के आयतन का कितना गुना होता है बताओ, ये 3 गुना होता है कि नहीं बताओ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, ये बताओ है, समझ में आ गई। ये बेलन का अगर आयतन होगा वो 3 गुना ज़्यादा होगा किसके आयतन से, शंकु के आयतन से। मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ थोड़ा सा, देखो एक बार,
आप ध्यान देना इसमें। देखो एक तरबूज है ना, एक तरबूज यहां बन गया जैसे, और कितने तरबूज, सॉरी कितने शंकु, दो शंकु बना दिए, ठीक है। और ये देखो कितने शंकु बन गए, तीन शंकु बन गए। तो एक शंकु तो हटाया मैंने इसमें बस, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो बेलन का आयतन होता है वो शंकु का आयतन का तिगुना होता है, क्योंकि तीन शंकु बन रहे हैं आप देख सकते हैं इस बेलन के अंदर। बात आई कि नहीं समझ में, इसे भी नोट कर सकते हैं आप।